वेलकम, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, स्टे विथ मी में। और आज मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बाहर गया था तो संडे की वजह से। और ये जो लेटेस्ट वैकेंसी, इसके बारे में वीडियो अब आपको बना के दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये NCL रिक्रूटमेंट के बारे में है। NCL क्या होती है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, भारत सरकार द्वारा ये दर्जा दिया गया है मिनी रत्न कंपनी का। तो NCL में रिक्रूटमेंट आ रखे हैं, लेकिन किसके आ रखे हैं? अप्रेंटिसशिप के लिए आ रखे हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि जैसे बच्चे ITI कर लेते हैं, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो इन्हें क्या ज़रूरत होती है कि अप्रेंटिसशिप, काम सीखने की। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? आपको उस जगह पर जाकर आपको काम सीखना होता है। ITI में तो आपने पढ़ लिया, मशीनों के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, पर इसके बाद में आपको क्या, जहाँ जॉब हो रही, जहाँ मशीन लगी है, उस जगह पर जाकर आपको जॉब सीखना, उसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप। तो बिना अप्रेंटिसशिप के कोई बड़ी कंपनियाँ आपको जॉब नहीं देती हैं, तो इसलिए ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप जरूरी हो जाता है। तो NCL एक मानी हुई कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, तो इन्हें निकाली है अप्रेंटिसशिप की जॉब्स। तो अप्रेंटिसशिप के लिए हम देखते हैं, डिटेल में सारी जानकारी डिस्कस करेंगे, फॉर्म कब शुरू कब खत्म, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, सारी चीज़ें देखेंगे, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो, और आप बने रहेंगे मेरे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो है ना कि हम टाइम टू टाइम बड़ी अच्छी अच्छी भर्तियाँ, अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं आपके साथ, आपका करियर बन सकता है। और वीडियो को शेयर भी किया जाए ताकि औरों का भी करियर, अपना भला तो जग का भी भला, ठीक है? तो जग का भी भला करिए तो आपका भी भला होगा। तो ये वैकेंसी आ रखी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, ठीक है, NCL जिसे हम नाम से कहते हैं, बड़ा प्यारा नाम है। और इसमें देखते हैं अधिसूचना प्रशिक्षण हेतु, प्रशिक्षण का मतलब यही अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने अधिसूचना जारी की है, ठीक है। तो ये एक देखिए, मैंने आपको बताई महारत्न कंपनी है एक, ठीक है, कि एक सहायक कंपनी है लिमिटेड, एक महारत्न की एक सहायक कंपनी है। तो ये जो है ना, ये खुद एक मिनी रत्न कंपनी है, और ये कोल इंडिया लिमिटेड इसकी सहायक कंपनी है। मतलब कि ये इसका एक तरह से कह सकते हो तो बच्चा इसका है, ये पिताजी इसके कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ये खुद में महारत्न और ये मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इसके लिए कितने आवेदन जो है ना, इसके लिए आवंटन मतलब सीटें जो है ना वो कितनी की, हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, थोड़ा सा बस ट्रेड में देखते हैं। तो ट्रेड कौन सी है, वेल्डर, गैस एवं विद्युत। वेल्डर के लिए कितनी है, अनारक्षित है 47, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 13, और ये सब श्रुति बाधित मतलब कि जिनके सुनाई हेयरिंग प्रॉब्लम होती है उनके लिए 3, दिव्यांग के लिए ऐसे करके, एक पैर के लिए अगर इसका एक पैर वगैरह गड़बड़ है, थोड़ी दिक्कत है फिजिकली हैंडीकैप, तो टोटल 3-3 6 वैकेंसी है दिव्यांग के लिए, जिसे फिजिकली हैंडीकैप PH कहते हैं, तो उनके लिए इतनी है। और टोटल इस तरह 88 वैकेंसी, एक वर्ष की आपकी प्रशिक्षण अवधि रहेगी, मतलब ये आपकी जो अप्रेंटिसशिप रहने वाली है वो कितने साल की, एक साल की रहने वाली है। और इसमें आपको जो अप्रेंटिसशिप के पैसे मिलते हैं 8000 टोटल, एक जो वर्कर होता है उसका होता है, उसका कुछ 70-80% या 90% ये लोग देते हैं, तो करिए आपके पेमेंट वही 7000 के आसपास ये लोग देंगे पर मंथ के हिसाब से, आपको स्टिपेंड जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगी। इसके बाद दूसरी ट्रेड इसके लिए आ रखी इलेक्ट्रीशियन के लिए, 94 आने जरूर के लिए, और टोटल की बात करें तो 179, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन कर रखा है तो अप्लाई करो, वेल्डर तो बहुत कम लोग करते ही हैं वैसे भी, तो अगर आपने वेल्डर्स कर रखा है तो आपके लिए भी एक 47, जनरल की और टोटल 88 वैकेंसी, एक अच्छी वैकेंसी हो जाती, आपके लिए भी एक वर्ष का प्रावधान है। आगे देख लेते हैं फिटर जॉब के लिए, भाई फिटर आजकल ट्रेड बहुत चल रही है, तो फिटर के लिए देखो टोटल 174 वैकेंसी आ रखी है, 88 जनरल के लिए, और ये बाकी रिजर्वेशन आते हैं, तो आप देख सकते हैं एक वर्ष का आपका भी है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी आ रखी है 441 वैकेंसी है, इसके बारे में हमने बता दी कहाँ कितना वैकेंसी आ रखी है। अब देखो, अगर आप वेल्डर ट्रेड से लेना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए एवं ITI आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो कक्षा 8 पास प्लस ITI उत्तीर्ण, ITI कोई इसमें परसेंटेज की मांग नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या होना चाहिए, कक्षा 10 पास होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI आपने उत्तीर्ण की हो, कक्षा 10 पास प्लस ITI आपने ITI उत्तीर्ण कर रखी हो, कोई मार्क्स की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखिएगा, लेकिन इन्होंने नीचे कह रखा है तो थोड़ा ध्यान से अब देख लेते हैं, क्योंकि इसी में नहीं बताया। देखो, सामान्य और OBC वर्ग के लिए न्यूनतम 50 वर्ष का समन्वित ट्रेड में पूर्णकालिक
मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI उत्तीर्ण होना चाहिए एवं दिव्यांग से उम्मीदवार 45% ITIs। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, 8 आप कितने परसेंटेज से पास हो और 10 भी आप कितने भी परसेंटेज से पास हो, बट ITI में इन्होंने परसेंटेज लगा रखे हैं 50% मिनिमम, और 50% हर किसी का आ जाते हैं क्योंकि ITI में देखो तो परसेंटेज की भरमार रहती है, 80 के आसपास तो परसेंटेज आ ही जाते हैं मोस्ट लोगों के। और देखो दसवीं में क्या, फिटर की अगर आप करना चाहते हैं तो आपका 10 पास होने चाहिए प्लस ITI आपके पास फिटर ट्रेड में होनी चाहिए, और उसमें कितने परसेंट, 50%। ठीक है, नीचे इन्होंने देखिए सभी ट्रेड टू ट्रेड के हेतु लिख रखा है, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे, जो रिजर्वेशन जिन्होंने दे रखा था, अगर आप SC ST वगैरह हैं और फिजिकली हैंडीकेप्ड वगैरह हैं तो ये लोग अपना पढ़ सकते हैं। ठीक, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आयु की बात कर लेते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो 16 से 24 वर्ष। ठीक है, ये हो गई किसके लिए, सामान्य के लिए, सामान्य अनरिजर्व जिसे कहते हैं UN या जिसे जनरल कहते हैं उसके लिए कितनी हो गई, 16 से 24। कब से काउंट होगी, आपकी डेट काउंट होगी 1/4/2018 से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल 2018 से आपकी, ये 1 अप्रैल 2018 से आपकी उम्र काउंट होगी, इसके बीच में आपकी होनी चाहिए 16 से 24 के बीच में आपकी। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और अर्थात 29 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, OBC नॉन क्रीमी लेयर को भी 3 साल की छूट है, अधिकतम 27 वर्ष तक ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग दिव्यांग श्रेणी फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए 10 साल की छूट दे रखी है, तो 24 है तो आप 34 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के दिव्यांगों के लिए 15 साल की छूट है, और OBC की अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 13 साल की छूट, मतलब अगर आप दिव्यांग हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके लिए बड़ी सारी दिक्कतें होती, मान लीजिए एक पैर नहीं तो कैसे स्कूल जाएंगे, कभी बड़ी दिक्कत होती है इनके लिए, तो इनके लिए छूट तो बहुत ज़रूरी है, तो दे रखिए अच्छी खासी छूट, अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, तो हमने मोस्टली डिटेल जान ली कि कैसे क्या आवेदन करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और कितनी सीटें आ रखी वो भी हमने जान ली, और आपको पैसा भी कितना मिलेगा वो भी हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको किस वेबसाइट पर जाना है, www.apprenticeship.government.in, पहले इस वेबसाइट पर जाना है, ये देखिए ये लिखिए apprenticeship.government.in, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, और NCL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी अप्रेंटिस आप करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पंजीकरण तो कराना ही पड़ेगा, apprentice.government.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा भर्ती किस में आ रखी, NCL में भर्ती आ रखी, तब फिर दोबारा से आप जाके NCL में जाके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब आप पंजीकरण करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, और जो नंबर मिलेगा जब आप NCL में जाके अपना फॉर्म भरेंगे तो वो नंबर डालना पड़ेगा, तभी आपका ऑनलाइन फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो दो तरीके का तरीका एक ही है, दो काम करने पड़ेंगे। नंबर एक पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, www.apprenticeship, ये मीनिंग थोड़ी लंबी अप्रेंटिसशिप है, .government.in। ठीक है, पहले इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन पंजीकरण, फिर इसके बाद आपको इसमें पंजीकरण नंबर एक मिल जाएगा, फिर क्या करना है आपको NCL की वेबसाइट पर जाना है, NCL इसकी वेबसाइट कौन सी है, www.ncl के बाद है cil.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, इस पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ गए, ये दोनों प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन। अब देखो जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो क्या क्या चीज़ें ये लोग मांगेंगे, रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, माता पिता संरक्षक का हस्ताक्षर, ITI मार्कशीट, जन्मतिथि, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मूल निवासी, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसका विवरण आपको मांगा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये देख लीजिए, और हो सकता है आपको जरूरत पड़े फॉर्म भरते समय नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का पंजीकरण नंबर, तो आप ये पंजीकरण नंबर उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी तो ये पंजीकरण नंबर उनका डाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण मैंने बता दिया, इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। ठीक, और देख लेते हैं वीडियो में क्या कोई ज़रूरी चीज़। हाँ, ऑनलाइन आवेदन जो है ना कब से शुरू, 6 अक्टूबर से। ठीक है, 6/06/2018 से, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज हो गया कितना, 7 अक्टूबर है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 12/11/2018,
11 का मतलब हो गया नवंबर, तो 12 नवंबर तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर 12 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 6 अक्टूबर से 12 नवंबर, एक महीने से भी ज़्यादा, 30 दिन से ज़्यादा का टाइम आपके पास, तो आप इतना से इसके लिए आवेदन कर दीजिए। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।